एक छोटे से गांव में एक स्कूल है जो हफ्ते में एक बार बच्चों को जंगल की सैर पर भेजता है। लेकिन एक दिन साथ ऐसा कुछ हुआ जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। यह कहानी एक स्कूल ट्रिप पर आधारित है जो बिना किसी चेतावनी के एक अंधेरे रहस्य में बदल जाती है। कक्षा के बच्चे जो 9वीं कक्षा के थे एक स्कूल ट्रिप के लिए तैयार हो रहे थे। वे एक सुनसान जंगल में जाने वाले थे जहां कई अजीब घटनाएं हो चुकी थीं। बच्चों को ट्रिप के लिए विशेष रूप से उत्साहित किया गया था क्योंकि यह उनका पहला अवसर था। लेकिन बच्चों को यह नहीं पता था कि जो उन्हें रोमांचक यात्रा समझकर भेजा गया था वह एक खौफनाक और खतरनाक यात्रा में बदलने वाली थी। ट्रिप की शुरुआत ठीक थी, सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे वे जंगल में गहरे जाते गए विचित्र घटनाएं होने लगी। स्कूल बस जंगल के किनारे पहुंची और बच्चे बाहर उतरकर जंगल के अंदर जाने लगे। लेकिन एक रहस्यमयी लड़की जो पूरे ट्रिप में शामिल नहीं थी उन्हें जंगल के किनारे से देख रही थी। वह बच्चों के पास आई और उन्हें चेतावनी दी कि यह जंगल खतरे से खाली नहीं है। लेकिन वह लड़की जल्दी ही गायब हो गई। बच्चों ने इसे एक मजाक समझा और ट्रिप जारी रखा। जंगल में थोड़ी देर बाद एक बच्चा अचानक गायब हो जाता है। पहले तो यह माना जाता है कि वह कहीं छुपा हुआ होगा, लेकिन जब वह बहुत देर तक नहीं आता तो बच्चों में खौफ फैलने लगता है। शिक्षक और छात्र मिलकर उसका पीछा करते हैं, लेकिन जंगल की गहराइयों में एक रहस्यमयी अंधेरा उन्हें घेरने लगता है। उन्हें एहसास होता है कि यह जंगल किसी और दुनिया से जुड़ा हुआ है। रात के समय जब बच्चे और शिक्षक एक स्थान पर कैंप कर रहे थे तो उन्हें अजनबी आवाजें सुनाई देने लगी। एक खौफनाक धीमी सी आवाज, जैसे कोई चीख रहा हो। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि आवाज कहां से आ रही है। अचानक एक बच्चा जो सबके बीच था वह भी गायब हो जाता है। सभी को लगता है कि यह जंगल का कोई रहस्य है। रात भर में घटनाएं और भी डरावनी होती जाती हैं। बच्चों को महसूस होने लगता है कि उनके आसपास कुछ अदृश्य ताकतें हैं, एक बुरी आत्मा जो स्कूल ट्रिप के दौरान हर बच्चे को अपनी जाल में फंसा लेना चाहती है। प्रत्येक बच्चा एक एक करके असहज महसूस करता है और किसी न किसी तरीके से उसे खौफ का सामना करना पड़ता है। किसी की मदद नहीं मिलती। शिक्षक और बच्चे जंगल के बीच में बिछड़ जाते हैं। उन्हें यह समझ में आ जाता है कि यह जंगल एक खौफनाक मिस्ट्री से भरा हुआ है जिसमें कई सालों से लोग लापता हो रहे थे। उनके पास कोई तरीका नहीं था, न फोन का सिग्नल था और न ही बाहर जाने का कोई रास्ता था। अब सबको बस एक ही बात याद आ रही थी, क्या वे इस जंगल से बचकर बाहर निकल पाएंगे। सभी बच्चे और शिक्षक मिलकर अंधेरे जंगल के बीच भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार उनका सामना किसी न किसी खौफनाक शक्ति से होता है। एक समय ऐसा आता है जब सभी को लगता है कि वे हमेशा के लिए इस जंगल के अंदर खो जाएंगे, लेकिन अंत में एक बच्चा अपनी बुद्धिमानी और साहस से उस खौफनाक शक्ति को हराकर सबको बचा लेता है। कुछ दिन बाद बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट होती है। जंगल की ओर जाने वाले रास्ते पर पुलिस और प्रशासन पहुंचते हैं, लेकिन उन बच्चों का कोई भी निशान नहीं मिलता। केवल एक लड़की की तस्वीर मिलती है जो पहले दिन उन्हें चेतावनी दे रही थी। और तभी सबको समझ में आता है कि वह लड़की असल में जंगल के अंदर की आत्मा थी जो हर साल नए बच्चों को अपनी जाल में फंसाती थी। समाप्ति संकेत दर्शाती है कि अज्ञात शक्तियां और जंगलों की गहराइयों में कुछ खतरनाक ताकतें छिपी होती हैं। क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर सचमुच उस जंगल में कुछ और था।